हाँ सर, सर एक छोटा सा सवाल और देखें। इसमें भी सर हमारे पास द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। कॉस्ट शीट ये कि एक यूनिट पे इतना मटेरियल, इतना लेबर, इतना ओवरहेड लग रहा है, सारी चीज़ें। डेप्रिसिएशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर नहीं दी हुई है। नीचे एक लाइन लिख रहा है, द कंपनी इज पॉइज्ड फॉर अ मैन्युफैक्चर ऑफ 144,000 यूनिट्स। तो पहले तो ना एक छोटा सा पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बना लें कि हमने करना क्या क्या है सर, ठीक है ना। वो पीएनएल का छोटा सा एक्सट्रैक्ट ऐसे बनेगा कि मैं डाल दूं सर इसमें। सबसे पहले सेल्स, कितने यूनिट्स की सेल्स है सर हमारे पास? 144,000 यूनिट्स की, ठीक है जी। ये यूनिट्स आ गया मेरे पास, ये मेरे पास सर रेट आ गया, और ये मेरे पास आ गया अमाउंट, ठीक है जी। तो मेरे पास सर सेलिंग प्राइस आ रही है कोई 120 रुपये की, ठीक है जी। ये मेरे पास टोटल सेल्स आ गए। अब मेरे पास सर रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हुआ है 144,000 यूनिट्स पे, जो होगा शुड आई से 45 रुपये का, ये आ गया सर। सर मेरे पास जो लेबर कंज्यूम होगा 144,000 यूनिट्स पे 20 रुपये के हिसाब से, वो इतने का है। फिर सर मेरे पास जो ओवरहेड्स हैं वो 144,000 यूनिट्स के ऊपर 40 रुपए के हिसाब से इतने लगेंगे, ठीक है। इनको नेट वेट नहीं करना, ये हमारे को प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करके देगा, ठीक है जी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो नॉन कैश होंगे, जो हमने अभी तक पीएनएल में नहीं डाली, ठीक है। तो इसको नेट करके प्रॉफिट नहीं आएगा। अब मैं लिख रहा हूँ सर कंपनी की पॉलिसीज, ठीक है जी। पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू रिसीवेबल्स एंड पेबल्स एंड पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक। अच्छा मुझे एक बात बता, रिसीवेबल्स पेबल्स में इन्हीं की पॉलिसीज आएंगी जो ऊपर एक्सपेंसेस के तौर पे आ रहे हैं। स्टॉक में हमारे पास सर तीन चीज़ें होंगी। कौन सी तीन चीज़ें होंगी सर? सर रॉ मटेरियल होगा, सर WIP होगा, सर फिनिश गुड्स होगा। कभी कभी कंज्यूमेबल्स नाम का भी आ जाता है वो स्टॉक, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद हमारे पास सर कैश की पॉलिसी है। चलें जी सर, मैं अगर आपसे पूछूँ पॉलिसी क्या क्या है, वो कह रहे हैं रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक फॉर 2 मंथ्स। तो सर ये मेरे पास 2 महीने इसकी पॉलिसी आ गई, ठीक है जी। फिर WIP 50% कंप्लीशन, ठीक है जी। द डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50% रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट और मटीरियल आर इन प्रोसेस। द मटीरियल्स आर इन प्रोसेस ऑन एवरेज फॉर 1 मंथ। WIP की बात कर रही है, मटीरियल्स इन प्रोसेस, ठीक है जी। 1 मंथ द डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज 50% इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कॉस्ट एलिमेंट्स। अब देखो ये एक बड़ा डॉजी स्टेटमेंट है, इसको जरा सा आगे जाके हम देखते हैं। WIP के दिन देख लें कितने हैं सर, 1 मंथ, ठीक है जी। तो आगे जाके देखते हैं हम सर। फिनिश गुड्स 1 मंथ, ठीक है जी। सर टाइम लैग फॉर वेजेस एंड ओवरहेड्स 1.5 वीक्स। अब देखो यार इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर लूँ, अज्यूम कर लो चार चार वीक्स एक मंथ है। तो मेरे पास सर 1.5 वीक्स को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो फ्रैक्शन ऑफ अ मंथ सर मेरे पास आता है कोई 0.375 मंथ्स, ठीक है जी। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 0.375 मंथ, ठीक है जी। लेबर का भी, ओवरहेड का भी। फिर सर रिसीट्स ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम डेटर्स इज 2 मंथ्स। सेल्स से जो पैसे मिलने 2 महीने में मिलने। फिर क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, रॉ मटेरियल का सप्लायर 1 मंथ, ठीक है जी। चलो फिर अब क्या रह गया, 20% हमारे पास जो है ना वो 20, अच्छा 20% कैश सेल्स है, यहाँ लिख दें सर 20% कैश सेल्स। फिर उसके बाद वो कह रहा है जनाब कंपनी को 1 लाख रुपए का कैश बैलेंस मेंटेन करना है मिनिमम, ठीक है जी। ये मैंने रख दिया सर 1 लाख का कैश बैलेंस। फिर बस सर वो कह रहा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाल के देना, ठीक है जी। सर इसको अब मैं सॉल्व करना शुरू करूँ सही से। बताएं सर मेरे पास वर्किंग कैपिटल एलिमेंट्स क्या क्या होंगे सर? डेटर्स होगा जो सेल से आ रहा है, ठीक है जी। मेरे पास सर क्रेडिटर्स होगा जो रॉ मटेरियल का, सर मेरे पास क्रेडिटर्स फॉर या पेबल फॉर वेजेस पेबल होगा, सर मेरे पास ओवरहेड्स का पेबल आ रहा होगा, ये मेरे पास सर ये चीजें आ गई। सर मेरे पास रॉ मटेरियल आ रहा होगा, मेरे पास सर WIP आ रहा होगा, मेरे पास फिनिश गुड्स आ रहा होगा, मेरे पास कैश का बैलेंस आ रहा होगा, ठीक है जी। आए जरा सर एक एक करके हम निकालते हैं जनाब रेलेवेंट चीज़ें। सर मेरे पास सबसे पहले बताएं रेफरेंस में
टाइम और वर्किंग कैपिटल। अब मुझे बताएं सर, मेरे पास जो रेफरेंस में सेल्स आएगी वो कौन सी सेल्स आएगी? क्रेडिट सेल्स आएगी, ऊपर तो टोटल सेल्स आ रही है कितने की, 17-28 की, 80% क्रेडिट सेल्स है क्योंकि 20% आपने लिख के लिए कैश सेल्स है, तो मैंने इसलिए ऊपर क्या किया 80% कर दिया, ये आ गया मेरे पास क्रेडिट सेल्स। सर टाइम कितना है हमारे पास? सर 2 महीने का डेटर्स का, ये रहा सर जो करता जाऊंगा मैं, पीला करता जाता हूँ सर उसको, सर 2 महीने, सर दिस डिवाइडेड बाय 2 महीने को मैं 60 डेज लिख दूँ, सर दिस डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 60 डेज, डन। अच्छा फिर क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, सर इसके लिए मेरे पास रेफरेंस क्या होगा? सारा चूंकि हमने क्रेडिट पे परचेस किया है, ठीक है जी, ये आएगा। फिर टाइम 1 मंथ क्रेडिटर्स है सर, ये ले लें सर, 1 मंथ का मतलब होता है मैं 30 डेज कर लूँ, 30 डेज कर लूँ सर, ठीक है जी, ये आ गया सर क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल 30 डेज का। वेजेस पेबल, वेजेस ले लें सर पूरी पूरी। अब बताएं सर इसमें आ रहा है 0.375 ऑफ अ मंथ, या शुड आई से आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, वो कह रहे हैं डेढ़ हफ्ता, डेढ़ हफ्ता इज टेक्निकली 10 डेज, ऐसे भी कर सकते हो 10 या 11 डेज, आप ऐसे भी कर सकते हो, कुछ भी आप काम कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं सर 0.375 मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, ये सर हमारे पास बनते हैं कोई 11 दिन, या 11 दिन कर लें सेफली, 11 दिन कर लें इसको, ठीक है। अब बताएं 11 दिन के क्रेडिटर्स कितने होंगे, 360 × 11 ये आ जाएगा। अच्छा मेरे पास सर पेबल्स जो आ रहे हैं वो अदर पेबल्स, सॉरी ओवरहेड्स के पेबल्स, ये भी 11 दिन के, तो सर इस पर भी आप निकाल सकते हो, कोई 176,000 रुपये के करीब बन जाएगा, डन है। मैंने सारे रिसीवेबल्स पेबल्स नॉक कर दी। अब सबसे पहले रॉ मटेरियल का, सर अगेन इसको मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ, सर कितने महीने का रॉ मटेरियल आपने मेंटेन करना है? 2 महीने का। ये फिजिकली रॉ मटेरियल हमारे पास स्टॉक में पड़ा होगा, पेबल इसका अलग होता है, वो मैंने रिसीवेबल पेबल में लिया है, वो नेगेटिव लिया, देख लो अंधों, ठीक है जी, 60 दिन, ठीक है जी। सर WIP को मैं कर देता हूँ सर सबसे आखिर में, फिनिश गुड्स में ऊपर ले जाता हूँ। फिनिश गुड्स के लिए सर मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब को ऐड करना पड़ेगा सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ एक ही है डाटा नहीं है पूरा, तो ये मेरे पास आ रहा है सर 15,120,000। कितने दिन का, कितने महीने का फिनिश गुड्स सर? 1 मंथ का डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ को यार मैं बार बार 30 डेज, ठीक है। अब WIP, अब देखो WIP में वो बात कर रहा है कि मटेरियल्स आर इन प्रोसेस ऑन एन एवरेज ऑफ फॉर 1 मंथ, इसका मतलब यार हमारे पास जो रॉ मटेरियल है ना वो तो मुकम्मल सर 1 महीने का हमारे पास पड़ा हुआ है, तो रॉ मटेरियल का तो 1 महीने का फिगर लेना है, वो तो मुकम्मल ले लेना, ठीक है। फिर मेरे पास जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो कितने कितने की है सर? वो इतने की है, ये दोनों मिला के को 15,20,000 बनते हैं कोई ऐसा, वो कह रहे हैं रॉ मटेरियल सर हमारे पास पूरे 30 दिन का है, लेकिन जो बाकी का कन्वर्जन कॉस्ट है ना ये हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास ये 50% है, तो जो 8640 है 000, ये सर 50% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीशन, मटेरियल 100% कंप्लीट है। अब बताएं सर अगर मैं WIP निकालूं तो मैं कहूंगा सर दिस डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 30 एंड दिस, अब ये WIP मिला के आएगा सर, ये मिला के फिगर है सर 9 लाख का WIP का, ठीक है जी। यानी सर मेरे पास 1 महीने का रॉ मटेरियल गोडाउन में पड़ा है, सॉरी 2 महीने का रॉ मटेरियल मेरे पास गोडाउन में पड़ा है 60 डेज का ये रहा, और 1 महीने के करीब का रॉ मटेरियल मेरे पास फैक्ट्री में लगा हुआ है, ठीक है जी। कुछ मटेरियल पे कन्वर्जन कॉस्ट ज्यादा लगी है, कुछ पे कम लगी है, तो सर वेटेड एवरेज कन्वर्जन कॉस्ट 50% है, ठीक है जी। देखिए पिछले सवाल में उसने कहा सब 50% कंप्लीट, इसमें वो कह रहा है कि मटेरियल फुली कंप्लीट है, बाकी के अदर कॉस्ट एलिमेंट्स, ऑल अदर कॉस्ट एलिमेंट्स, अदर उसने लिखा नहीं है, इंप्लाइड यही है, ऑल अदर कॉस्ट एलिमेंट्स जो है वो 50% कंप्लीट है सर। ये आ गया मेरे पास कैश बैलेंस, सर हमने मेंटेन किया हुआ है, कोई करना है कोई 1 लाख रुपए का, ठीक है जी। अगर मैं इन सबको एडअप करता हूँ सर, सर दिस इज व्हाट आई नीड टू स्टार्ट माय बिजनेस, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी, देख लीजिएगा आप, अल्लाह हाफिज़।